ईद उल अजहा यानी बकरीद इस्लाम धर्म का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। इस्लाम धर्म में इस दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा होती है। इस बार बकरीद की तारीख को लेकर लोग बड़े कंफ्यूज हैं। कोई 28 जून तो कोई 29 जून को बकरीद का त्यौहार बता रहा है। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। इस्लामिक कैलेंडर में 12 महीने होते हैं और दुल्हिज इसका अंतिम महीना होता है। इस महीने की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा या बकरीद का त्यौहार मनाते हैं, जो कि रमजान का महीना खत्म होने के 70 दिन बाद आता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार इस साल बकरीद का त्यौहार 29 जून को मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के लोग अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी करते हैं। हालांकि इस्लाम में सिर्फ हलाल के तरीके से कमाए हुए पैसों से ही कुर्बानी जायज मानी गई है। इसमें बकरा, भेड़ या ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी दी जाती है। कुर्बानी के वक्त ध्यान रखा जाता है कि जानवर को चोट ना लगी हो और वो बीमार भी ना हो। अब आइए जानते हैं कि आखिर बकरीद पर कुर्बानी देते क्यों हैं। इस्लाम में कुर्बानी का बड़ा महत्व है। कुरान के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार अल्लाह ने हजरत इब्राहिम की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने हजरत इब्राहिम को हुक्म दिया कि वो अपनी सबसे प्यारी चीज को उन्हें कुर्बान कर दें। हजरत इब्राहिम को उनके बेटे हजरत इस्माइल सबसे ज्यादा प्यारे थे। अल्लाह के हुक्म के बाद हजरत इब्राहिम ने ये बात अपने बेटे हजरत इस्माइल को बताई। बता दें, हजरत इब्राहिम को 80 साल की उम्र में औलाद नसीब हुई थी, जिसके बाद उनके लिए उनके बेटे की कुर्बानी देना बेहद मुश्किल का काम था। लेकिन हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म और बेटे की मोहब्बत में से अल्लाह के हुक्म को चुनते हुए बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का नाम लेते हुए अपने बेटे के गले पर छुरी चला दी। लेकिन जब उन्होंने अपनी आँख खोली तो देखा कि उनका बेटा बगल में जिंदा खड़ा है और उसकी जगह बकरे जैसी शक्ल का जानवर कटा हुआ लेटा है, जिसके बाद अल्लाह की राह में कुर्बानी देने की शुरुआत हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।